ये रिश्ता क्या कहलाता है। कितना मजा आएगा ना जब माँ पापा और अभी के सामने सरप्राइज खुलेगा। अच्छा सुन अभी, देख बेटा तू तू ना गुस्सा मत करना हा? मैंने तेरे और अक्षय के ले जाने के लिए मठरी और कुछ सामान बना दिया है। What, why, where, माँ? आपको काम करते हुए देखा अक्षय ने तो फिर पूछा होगा कि क्यों कर रही है, आपने बताया तो नहीं उसे? अरे नहीं बताया, पर तुझे पता है मेरा मन तो बहुत कर रहा था, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है मैंने। Thank God, माँ, कुछ देर और प्लीज मत बताइएगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी। वैसे तुझे पता है आज ना मैं बाहर जा रही थी तो मैंने उसे पूछा तो साथ में चलेगी क्या, मैंने सोचा मार्केट से उसे कुछ सामान दिलवा दूंगी, पर उसने कहा नहीं मैं थक गई हूँ थोड़ा सा आराम करूंगी। तो अच्छा है ना माँ, अभी आराम करेगी तो रात में फ्रेश रहेगी। हाँ वो भी है। वैसे अभी तुझे एक बात बताऊँ, तुम लोग इतने दिनों के लिए घूमने जा रहे हो, मैं तो ना अभी से अक्षय को मिस कर रही हूँ। मतलब? मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना जिनके होने से ही आपको बड़ी खुशी मिलती है, तेरी अक्षु ना बिल्कुल वैसी ही है। तुझे पता है आज वो दिन भर मेरे साथ थी ना तो पहली बार मुझे मुझे घर में अकेला नहीं महसूस हुआ। वरना तुम सब तो काम पर चले जाते हो और मैं कुछ कह नहीं पाती, पर बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है। पर आज उसकी वजह से इतना अच्छा रहा ना मेरा दिन, लगा ही नहीं जैसे वो दिन है जब। I hate you! माँ वो कोई चेकअप करवाना है, मैं फोन करता हूँ। हाँ हाँ बेटा। अरे आज तो एनिवर्सरी है ना तेरी, तो चलो के चलते हैं डिनर पे सब। एनिवर्सरी मनाई जाती है खुशी के दिन की, ना कि दुख और बर्बादी की। एंड ये छोड़िए सर, इस शिकागो कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने दो और डॉक्टर्स फाइनलाइज किए अटेंड करने के लिए, हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी, ना कि जो अभिमन्यु कर रहा है कॉन्फ्रेंस के नाम पर हनीमून। एक्चुअली मैं बहुत हैरान हूँ, अभिमन्यु ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब अपने काम को लेकर वो बहुत सिंसेयर है। था भाभी था, जब से अक्षरा उसकी लाइफ में आ गई है ना, सारी सिंसेयरिटी सिर्फ अक्षरा की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। मैं तो बस होप कर रहा हूँ कि इसका ये जो बुखार है वो जल्द से जल्द उतर जाए ताकि वो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए। अर्श, अभिमन्यु बहुत बैलेंस है, आई एम श्योर वो दोनों चीजों को बहुत अच्छे से संभाल सकता है, तू टेंशन मत ले। टेंशन की बात तो है भाई साहब, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी लाइफ की हिस्ट्री अभिमन्यु के लाइफ में रिपीट हो रही है। पत्नी को लेकर दोनों बाप बेटे की किस्मत एक जैसी है। अक्षु क्या देख रही? ये तुझे कहाँ मिली? स्टोर रूम ढूंढने तो कुछ और गई थी पर ये मिल गई। क्या अक्षु तू भी अभी अभी आई और स्टोर और ये सब, तुझे क्या चाहिए मुझे बता ना, मैं ला देती हूँ तुझे। मुझे तो लगा आपने कहा ये मेरा भी घर है। हाँ है पर तो बस अपना घर समझकर स्टोर रूम में गई और मुझे ये मिला। अच्छा ठीक है, तू मुझे ये बता तू जो चीज ढूंढ रही थी तुझे मिली कि नहीं? अक्षु अगर नहीं मिला तो मुझे बता दे, मैं बाजार से मंगवा देती हूँ, फिर ना रात हो जाएगी दुकानें बंद हो जाएगी, फिर तू और अभी चले ही। चले ही जाना,
मार्केट? रात को तो दुकानें खुली होती है कुछ। माँ आप मेरी चीजों का टेंशन मत लो, अभी जो मिला है उसे एंजॉय करो। चलिए ना माँ कुछ स्पेशल करते हैं आपकी पहली एनिवर्सरी के लिए। पहली? मेरे लिए तो आपकी पहली एनिवर्सरी है ना। अब जो इतने साल मैंने मिस किया है उसकी कमी पूरी करना तो बनता ही है ना। अच्छा अक्षु तो मैम, हर्षण ने बोला है कि आज रात कुछ लोग डिनर पे आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखा माँ आप कह रही थी कि इस उम्र में कौन पार्टी करते हैं, और पापा ने तो गेस्ट भी बुलवा लिए। अरे उसके लिए नहीं होगा, बिजनेस का कुछ काम होगा शायद। आपको कैसे पता? हमें कैसे पता? पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, बस हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता शादी का हैंगओवर उतरा ही नहीं होगा और पापा को और पार्टी करने का मन कर रहा हो। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इनको ना काम से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं लगता। तुझे पता है पहले पहल ना मुझे भी बहुत लगता था, जब कोई घर आता था तो मुझे लगता था शायद हम ही मिलने आए होंगे, फिर धीरे धीरे पता चल गया कि वो सब उनके बिजनेस के डिनर ही है। कभी कभी मेरा भी बहुत मन करता था कि घर में पार्टी हो, एनिवर्सरी, बर्थडे, सब सेलिब्रेट करें, पर इनके पास कभी टाइम ही नहीं होता था। तो अब होगा, अब तो इतने सारे लोग भी हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। और एक बात बताऊं, अब जो हमारी शादी में कमाल लग रही थी ना, आई एम श्योर पापा का दोबारा मन किया होगा आपसे शादी कर। चुप कर तू, चुप ही बोल रही है पागल। वैसे स्टोर रूम में एक और चीज मिली मुझे। क्या अक्षु तू? ये आपकी शादी की साड़ी? आज ना आप यही पहन लो। नहीं अक्षु, एक तो ये पुरानी साड़ी है और वैसे भी किसी को कुछ याद भी नहीं होगा तो क्या फायदा। मुझे तो याद है ना, मेरे लिए इसे प्लीज पहन लो ना माँ, प्लीज ना माँ, प्लीज माँ प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, पहन दी, पर सिर्फ तेरी वजह से, समझी? यस! अब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। क्या पार्टी होने वाली आज माँ पापा के एनिवर्सरी की, देखना तुम अभी, तुम ना मेरी तारीफें कर कर के थकोगे ही नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है।